बदायूं में एक किशोरी को गांव के ही दो युवक खंडर में खींच कर ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित किशोरी ने दो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए महिला अस्पताल भेजा है। आपको बता दें कि बदायूं के थाना कादर चौक में एक किशोरी अपने घर से गांव के बाजार जा रही थी कि रास्ते में ही दो युवकों ने उसे घेर लिया और उसे खंडर में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। कौन था आपके संदेह कौन कौन था बाजार लगता है हमारे गांव के पास में कादर चौक आ गए थे तो सर हमारी भतीजी अकेली थी तो सर हमने जब हम कादर चौक से बाहर आए बाजार घर पे आए तो हमने देखा तो ये लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मौके पर मेरा भतीजा भी पहुंच गया तो सर मौके पर उन्होंने पकड़ लिया और मेरे भतीजे को उन्होंने जबरदस्ती मार तोड़ के भाग गया सर। उसके संग गलत काम भी किया सर, सारे गलत काम हुए हैं सर और हम चाहते हैं कि हमारे साथ में न्याय हो और लड़की को न्याय मिलना चाहिए सर। कौन था आरोपी? आरोपी सर मुरादी खादर लड़का था शहबाज और एक सानली लड़का था नवाजिश, ये लोग मौजूद थे सर। मेरे भतीजे ने मौके पे ही पकड़ा सर इन लोगों को। रिपोर्ट दर्ज हो गई आपकी? सर रिपोर्ट दर्ज हो गई है सर। अब पकड़ा गया है कि कोई? जी अभी तक सर कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, अभी तक किसी को पुलिस ने नहीं पकड़ा सर, अभी तक घर पे तक नहीं गई पुलिस सर अभी तक। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक फरार हो गए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। नूरपुर गांव में एक 100 नंबर की सूचना आई, सूचना के बाद पुलिस 100 नंबर की गाड़ी गई और थाने की पुलिस द्वारा पहुंची। वहां इस तरह की घटना थी तो उसका लड़की को लेकर तुरंत मेडिकल के लिए भेज दिया गया, कुछ घटना कायम कर दिया गया, जल्द ही अभियुक्त की अरेस्ट हो जाएगी। केंद्र में बैठी मोदी सरकार और यूपी में बैठी योगी सरकार, दोनों ही सरकारें कानून व्यवस्था के चाहे कितने भी बड़े बड़े वादे कर रही हो, एंटी रेमियो स्क्वाड जैसे चाहे कितनी भी टीम बना रही हो, लेकिन जो महिलाओं के साथ जो दुराचार है, उनके साथ जो रेप है, वो घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ताजा मामला बदायूं जनपद के कादर चौक के गाँव नूरपुर का है, जहाँ दो युवकों ने एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया और जब बच्ची ने शोर मचाया तो उसके मौके पर उसका भाई पहुंच गया और भाई के पहुंचने के बाद रेप करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। इसकी सूचना फिलहाल उन्होंने पुलिस में दे दी है, पुलिस ने मामला दर्ज करके लड़की के लिए मेडिकल के लिए भेज दिया है। अब देखना ये, लेकिन दोनों आरोपी जो फरार है पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कैमरामैन हर्षित भारद्वाज के साथ मैं अर्पित भारद्वाज, समाचार एक्सप्रेस न्यूज बदायूं।